हेलो एवरीवन, आज हम हमारे क्लास में एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर के बारे में जानकारी लेंगे कि ये इंटरफेरोमीटर होता क्या है, क्या उपयोग होता है इसका, किन किन जगह पर इसे हम इस्तेमाल करते हैं। एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर, तो जैसा कि इसका नाम है एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर, तो ये जो डिवाइस है ये बेसिकली हमें कोई भी फ्लैट सरफेस, स्मूथ सरफेस को मेज़र करने के काम आता है, या उसकी स्मूथनेस को हमें चेक करने के काम आता है। अगर वो स्मूथ है तो वो देख रहे हैं, जैसा कि ये देखिए इस प्रकार से वो एक इमेज जैसा बना देगा। अगर वो स्मूथ है तो जो फ्रिंज जो रहेगा वो इस प्रकार से देखिए इमेज बनाएगा, और अगर वो अनस्मूथ है, अगर वो स्मूथ नहीं है तो इस प्रकार से देखिए फ्रिंज बनाएगा, इस प्रकार से क्रॉस या इंटरसेक्ट किस्म का बनाएगा, और अगर वो स्मूथ सरफेस है तो इस प्रकार का फ्रिंज बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इंटरफेरोमीटर है बेसिकली फ्लैटनेस या स्मूथनेस को चेक करने का काम आता है। यहाँ पर देखिए ये लाइट सोर्स है, कंडेंसिंग लेंस है, कंडेंसिंग मतलब कि जो कि कॉन्वर्ज करता है, जो कि कॉन्वर्ज करता है। जो कि कॉन्वर्ज करता है लाइट रेस को, मतलब एक जो लाइट है वो फैल करके आ रहा है और उसको फिर क्या कर दिए, कॉन्वर्ज कर दिए, मतलब बहुत सारे लाइट को एक लाइट में हमने कंसाइज कर दिया। कंसाइज करने के बाद देखिए ग्रीन फिल्टर है, पिन होल है, फिर ये आई पीस है, इस प्रकार से ये एक वर्क पीस पर क्या होता है, फॉल डाउन होता है। वर्क पीस पर फॉल डाउन होने के बाद में जो वर्क पीस है अगर उसका सरफेस स्मूथ है तो वो कुछ इस प्रकार का इंप्रेशन देगा, ठीक है, और अगर सरफेस अनइक्वल है, अनस्मूथ है तो वो इस प्रकार से देगा। और यहाँ पर देखिए एक प्रिज्म जैसा लगा हुआ रहता है, मैं इसको इस फिगर के माध्यम से समझाता हूँ आप लोगों को। ये है फिगर एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर एंड इट्स वेरियस पार्ट्स। तो इसको अगर आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए आता है ये कई बार एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं आप लोग डायग्राम। तो ये डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ये कंडेंसिंग लेंस है, सेम चीज़ है बट इसको थोड़ा परपेंडिकुलर वे से बना दिया है। जैसे कि हम अभी पिछले डायग्राम को देख रहे थे वो डायग्राम थोड़ा वर्टिकल किस्म का था, ये थोड़ा परपेंडिकुलर किस्म का है ये डायग्राम। तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स किस में गया, कंडेंसिंग लेंस में गया, कंडेंसिंग लेंस के बाद में ये एक रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, फिर से देखिए कॉन्वर्ज हो, मतलब देखिए ये लाइट है ये फैला, फैलने के बाद में कंडेंसिंग लेंस क्या किया, कन्वर्ज किया, कन्वर्ज मतलब एक साथ इसे एक साथ मिला दिया, एक साथ मिलाने के बाद में कॉलिमेटिंग अपर्चर में जाकर के फिर से ये क्या हो गया, फैल गया। फैलने के बाद में फिर से देखिए कॉलिमेटिंग लेंस है, कॉलिमेटिंग लेंस मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, कंडेंसिंग लेंस मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है ये, कंडेंसिंग मतलब कॉनकेव और ये कॉलिमेटिंग मतलब कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस में जाने के बाद में देखिए एक कॉन्स्टेंट डेविएशन प्रिज्म यहाँ पर दिख रहा है हमें। कॉन्स्टेंट डेविएशन प्रिज्म में जैसे ये लाइट रेज फॉल डाउन होता है, तो लाइट रेस फॉल डाउन होने के बाद में ये क्या हो रहा है, देखिए ऑप्टिकली फ्लैट सरफेस में ये फॉल डाउन हो रहा है, ऑप्टिकली फ्लैट सरफेस में जैसे ही ये देखिए ये कॉन्स्टेंट डेविएशन प्रिज्म से ये सारे बीम जैसे ही ये टकराए, लाइट के रेस जो ऐसे ही इसमें इंटरसेक्ट हुए, इसके अंदर गए, तो ये वाइट रेस क्या हुआ, सात कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कि विब गॉयर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो ये जो सात कलर में ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और हर एक कलर का अपना एक पर्टिकुलर एक डायमेंशन होता है, 1 mm, 1 mm, 1 mm, तो ऐसे सात को मिला देंगे तो एक उसका पर्टिकुलर, उन सब एक दूसरे कलर एक पर्टिकुलर इंटरवेल में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेविएशन प्रिज्म जो है वो व्हाइट लाइट को सात कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और उसी कलर के माध्यम से हम यहाँ पर जो भी हमारा गेज जो है जिसे कि हमें मेजर करना है, उन सब कलर को हम क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि उसका स्मूथनेस सरफेस कैसा है, ठीक है। तो सिंपल सा डायग्राम है, ये सोर्स है, एक लेंस हुआ, ये प्लेट हुआ, फिर दूसरा लेंस हुआ, प्रिज्म हुआ, और ये गेज ब्लॉक हो गया। तो इस प्रकार से हम ये डायग्राम को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी और ले लेते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द गेज लेंथ इंटरफेरोमीटर एंड यूज फॉर डिटरमाइनिंग एक्चुअल डायमेंशंस और एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ द गेज। तो किसी भी वर्क पीस का हमें एग्जैक्ट या एक्चुअल डायमेंशन या उसका एग्जैक्ट लेंथ हमें निकालने का काम आता है ये इंटरफेरोमीटर, फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर। द डायग्रामेटिकली अरेंजमेंट ऑफ एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर इज डिस्क्राइब्ड एज द पॉइंट सरफेस ऑफ लाइट इज एमिटेड फ्रॉम लाइट सोर्स विच इज कन्वर्टेड पैरेलल बीम आफ्टर फॉलिंग इनटू कंडेंसिंग लेंथ। फर्दर प्लेट इज यूज टू कॉन्वर्ज ट्रेवल्स टू कॉलिमेटिंग लेंस एंड फॉल्स ऑन कॉन्स्टेंट डेविएशन प्रिज्म।
तो यहाँ पर देखिए ये वही चीज़ बता रहा है कि एक लाइट सोर्स से हम क्या करते हैं, बीम को हम डिस्चार्ज करते हैं लाइट बीम को, और वो पहले कंडेंसिंग में जाता है लेंस में, फिर उसका कॉलिमेटिंग लेंस में जाता है। तो इस प्रकार से वो जो लाइट रेज है कई बार कन्वर्ज होता है और कई बार डाइवर्ज होता है। कई बार वो लाइट रेज जो रहते हैं वो सिकुड़ते हैं, और कई बार वो क्या होते हैं, फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो लाइट रेस क्या होते हैं, दो तीन बार ऐसे कन्वर्ज और डाइवर्ज होने के बाद में जैसे ही प्रिज्म पर फॉल डाउन होते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस प्रिज्म प्रोड्यूसेस कलर्स, इट इज द लाइट, इफ द लाइट सोर्स ऑफ कैडमियम इज ऑफ कैडमियम देन द कलर ऑफ लाइट में बी रेड, ग्रीन, ब्लू और वायलेट। तो अगर जो हम सोर्स जो यूज कर रहे हैं वो अगर कैडमियम लाइट है, कैडमियम मतलब कि व्हाइट कलर का अगर लाइट है, तो वो क्या हो जाएगा, कई कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रिज्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पर इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल फ्लैट फर्दर दिस लाइट फॉल्स अपॉन द गेज विच इज टू बी मेजर, दिस कॉन्स्टेंट एब्रिएशन प्रिज्म शुड बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल प्लेट सच दैट ऑल द बीम शुड फॉल अपॉन गेजेस। तो इस प्रकार से हमें गेज को एडजस्ट करके, हमारे वर्कपीस को एडजस्ट करके रखना है कि जितना भी लाइट का जो बीम है वो पूरा का पूरा इसी में फॉल डाउन हो। तो जैसे ही पूरे लाइट रेज इसमें गेज में जैसे ही फॉल डाउन होंगे, तो फॉल डाउन होने के बाद में क्या होगा, इसमें अगर इरेगुलरिटी रहेगा, स्मूथ सरफेस अगर वो ना हो करके किसी और प्रकार का अगर सरफेस रहेगा, तो क्या होगा कि ये जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या एक यूनिफॉर्म ना बन करके कुछ इररेगुलर किस्म का बनेगा। मतलब कि वो हमें ऑब्जर्व हम आसानी से कर सकते हैं कि ये फ्लैट सरफेस नहीं है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, ये हो गया आपका एनपीएल इंटरफेरोमीटर। आगे देखते हैं, यहाँ पर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरोमीटर एंड देयर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर बेसिकली चार प्रकार के इंटरफेरोमीटर हैं। इंटरफेरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम मेजरमेंट करते हैं स्मूथनेस, डिफरेंस, लेंथ, इस प्रकार की कई सारी चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं हम, तो ये सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली चार प्रकार का इंटरफेरोमीटर बताया गया। पहला है कोस्टर, जो कि क्या काम करता है, लेंथ के डिफरेंस को मेजर करता है। मतलब मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले का लेंथ 2 मीटर है, दूसरे का लेंथ 10 मीटर है, तो दोनों के डिफरेंस को वो मेजर करता है, दोनों के डिफरेंस को मेजर करता है, इसे हम कोस्टर इंटरफेरोमीटर कहते हैं, कोस्टर इंटरफेरोमीटर। दूसरा है द हायर टू पर्पस, ये क्या करता है, गेज कंपैरिजन एंड एब्सोल्यूट मेजरमेंट करता है। मतलब कि ये गेज को कंपेयर करता है और बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करता है, द हायर टू पर्पस इंटरफेरोमीटर। तीसरा है द एनपीएल गेज ब्लॉक, मेजरमेंट ऑफ स्लिप गेजेस। ये स्लिप गेजेस क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग इसी क्लास में, इसी लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि स्लिप गेजेस क्या होता है। तो एनपीएल गेज ब्लॉक्स जो होते हैं, ये भी एक प्रकार का इंटरफेरोमीटर होता है जो कि स्लिप गेजेस को मेजर करने का काम करता है। एक है जीज गेज ब्लॉक, ये जीज गेज ब्लॉक जो होता है ये यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट एंड कंपेरेटिव मेजरमेंट्स ऑफ गेज ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये गेज ब्लॉक क्या करता है, कंपेयर करता है किसी भी वर्क पीस को, दो या तीन वर्क पीस को कंपेयर करता है, मेजर करता है गेज ब्लॉक, डिफरेंट गेज ब्लॉक्स को। तो बेसिकली देखा जाए तो ये चारों ही क्या करते हैं, मेजरमेंट का काम करते हैं और डिफरेंसेस को मेजर करने का काम करते हैं। आगे देखते हैं द मेथड ऑफ स्क्वायरनेस टेस्टिंग यूजिंग इंजीनियर्स स्क्वायर टेस्टर। तो स्क्वायरनेस टेस्टिंग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्क्वायरनेस टेस्टिंग कैसे किया जाए, या जब हमें अगर इंजीनियर्स वर्क में अगर करने का अगर हमें ज़रूरत पड़े कभी, तो हम किस डिवाइस से हम स्क्वायरनेस टेस्टिंग कर सकें। तो स्क्वायरनेस टेस्टिंग के लिए कुछ इस प्रकार का, देखिए टेस्टर आता है, ये एनपीएल अरेंजमेंट है जो हमने पढ़ा, सोर्स, लाइट, अपर्चर, ये हो गया कंडेंसिंग लेंस, ये हो गया कॉलिमेटिंग लेंस, ये प्रिज्म हो गया, ये फ्लैट सरफेस हो गया, और ये गेज ब्लॉक हो गया। तो ये भी एक डायग्राम था एनपीएल इंटरफेरोमीटर का, इसे आप लोग अगर बहुत अच्छे से अगर समझना चाहें, बनाना चाहें, तो आप ये वीडियो को पॉज करके आराम से अच्छे से इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही क्लियर डायग्राम है ये। ये एनपीएल फ्लैटनेस जिसको कि हम समझ चुके हैं, ये भी एनपीएल इंटरफेरोमीटर फ्लैटनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी सेम जैसा कि हमने पढ़ा है बस वैसे ही, कंडेंसिंग मिरर, ग्रीन, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार का ये इंटरफेरोमीटर दिया हुआ है।
तो इसे भी आप लोग देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मर्क्यूरी कैडमियम लाइट है, मर्क्यूरी वेपर लाइट मतलब व्हाइट कलर का लाइट होगा, कंडेंसिंग मतलब कि कॉन्वर्ज कर रहा है लाइट को, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ग्रीन कलर से फिल्टर होकर के पिन होल मतलब एक बहुत ही माइन्यूट होल से फिर ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है मतलब कि फैल रहा है। और यहाँ पर आईपीस लगा करके हम ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर से हम देख रहे हैं। कॉलिमेटिंग लेंस गया तो यहाँ से जैसे ही ये निकला तो यहीं पर ये क्या हो जा रहा है, सात कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है और नीचे से भी अपोजिट सात कलर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो अगर ये परफेक्टली फ्लैट रहेगा तो हमें बिल्कुल अरेंज्ड मैनर में दिखेंगे सात कलर, और अगर अनसरफेस अनस्मूथ है तो ये परफेक्टली स्मूथ ना होकर के कुछ और टाइप का हमें ये दिखेगा, ये सात कलर। सरफेस टू बी टेस्टेड, ये गेज ब्लॉक हो गया। ये है हमारा परपेंडिकुलर जो कि हमने देखिए यहाँ पर पढ़ा स्क्वायरनेस टेस्टिंग या स्क्वायरनेस टेस्टर, ये वाला हमारा ब्लॉक है। देखिए ये हमारा स्क्वायरनेस टेस्टर ब्लॉक हो गया, जो कि देखिए यहाँ पर स्केल रहता है और यहाँ पर एक ये हैंडल किस्म का रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, एक सॉकेट किस्म का रहता है, ग्रू किस्म का रहता है, ग्रू मतलब कि खांचा किस्म का रहता है। और इसी में हम क्या करते हैं, रेस्ट कराते हैं हमारे वर्कपीस को, और रेस्ट कराने के बाद में हम उसे मेजर करते हैं कि हमारा वर्कपीस कितना एक्यूरेट है, कैसा है, और हमारा वर्कपीस जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, उसमें जो वर्कपीस में जो भी लैकिंग है, लैकिंग मतलब कि जो भी कमी है 90 डिग्री, या जो भी लैगिंग है मतलब जो कि 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है उस पर्टिकुलर वर्कपीस का जो कहना चाहिए एंगल, तो कितने एंगल से वो लैगिंग है मतलब कितना ज़्यादा है उसका एंगल जो है, तो उस चीज़ को ये मेजर करने का काम आता है स्क्वायरनेस टेस्टर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस स्क्वायरनेस टेस्टर के कुछ और फिगर्स देखते हैं। ये भी देखिए ये वुड का देखिए स्क्वायरनेस टेस्टर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वुड वर्कर्स एंड इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर्स, ठीक है। तो देखिए ये ट्राई स्क्वायर है, इसे ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं या स्क्वायर टेस्टर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। देखिए ये वुड का एक हैंडल किस्म का बना हुआ है और ये आयरन या स्टील का एक स्केल जैसा रहता है जो कि परफेक्टली परपेंडिकुलर रहता है। इसे बहुत हमें सावधानी से हमें हाथ लगाना चाहिए, और जैसे ही हम इसे यूज़ करने के बाद में इसका जो केस रहता है, इसका जो कवरिंग केस रहता है, उसमें हम इसे तुरंत हमें पुट ऑन मतलब इसे तुरंत हमें इसे वहां पर रख देना चाहिए, क्योंकि अगर इसे हम बहुत ज्यादा अगर हैंडलिंग करेंगे तो इसमें प्रोलॉन्ग इरर आ सकते हैं। प्रोलॉन्ग इरर मतलब कि बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से इसमें इरर हमें देखने को मिल सकता है। ये स्लिप गेजेस है, इस पे भी हम अभी आएंगे। तो ये हो गया, यहाँ पर देखिए दो प्रकार का स्क्वायरनेस टेस्टर बता रहा है, विथ एक्स्ट्रा थिक स्टॉप और एक विथाउट स्टॉप। तो यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। द वन विथाउट स्टॉप इज लेस रिजिड एंड देयर फोर रिक्वायर्ड थिकर ब्लेड, द वर्टिकल मेंबर इज कॉल्ड ब्लेड एंड द हॉरिजॉन्टल मेंबर स्टॉक, देयर इज अ ग्रुप ऑफ रिलीफ बिटवीन बोथ अटैचमेंट्स इन दिस टेस्टिंग ऑफ स्क्वायर बॉडी अबाउट देयर स्क्वायरनेस इज टू बी डन, ठीक है। तो यहाँ पर दो मेंबर के बारे में बताया जा रहा है कि जो वर्टिकल मेंबर रहता है उसे हम ब्लेड कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। तो देखिए वर्टिकल ब्लेड हो गया और ये जो हॉरिजॉन्टल जो रहता है ये स्टॉक हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये बैक व्यू हो गया, यहाँ पर साइड फेस लिखा है बट ये बैक व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया, ये भी साइड व्यू हो गया और ये टॉप व्यू हो गया। इसका मैंने डायग्राम आप लोगों को दिखा चुका है, ये इसका डायग्राम है देखिए स्क्वायर टेस्टर का, तो इसी का ही ये बनाया जा रहा है, इसी के आधार से ही ये भी डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है देखिए। अब यहाँ पर है इंजीनियर्स स्क्वायर विथ स्टॉप, ठीक है, और इंजीनियर्स स्क्वायर विथाउट स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया, इसी में हम अपने वर्कपीस को होल्ड करते हैं और उसका मेजरमेंट करते हैं, ये स्केल है और ये ब्लेड है और ये स्टॉक है, ठीक है। आइए हम यहाँ पर अपने इस यूनिट का, लीनियर मेजरमेंट यूनिट का, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इस यूनिट में जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट स्लिप गेज ब्लॉक्स टू बिल्ड अप ए डायमेंशन ऑफ 59.8435 mm फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेट M112। यहाँ पर दिया हुआ है रेंज, स्टेप, नंबर ऑफ पीसेस। तो यहाँ पर देखिए रेंज जो है देखिए 1.0005 दिया हुआ है, स्टेप और नंबर ऑफ पीसेस कितना है 1। तो यहाँ पर देखिए स्लिप गेजेस क्या होता है, ये होता है स्लिप गेजेस,
ठीक है। तो ये देखिए छोटे 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 स्लिप गेजेस हैं, फिर उसके बाद वो आते आते देखिए क्या हो जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं स्लिप गेजेस। तो आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये एक बॉक्स रहता है, ये बॉक्स के अंदर ये जो स्लिप गेजेस रहते हैं ये हाई स्पीड स्टील के बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ये स्लिप गेजेस का बॉक्स नियर अबाउट 20 to 30,000 के आसपास का आता है। और ये स्लिप गेजेस क्या काम करते हैं, बहुत माइनर से माइनर मेजरमेंट को भी ये कवर कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप सरल तरीके से समझ सकते हैं ये गेज ब्लॉक को। देखिए ये गेज ब्लॉक्स हैं, सॉरी स्लिप गेजेस हैं। ये देखिए स्लिप गेजेस का इस प्रकार से बॉक्स होता है, और ये भी देखिए ये भी स्लिप गेजेस की इस प्रकार से बॉक्स होते हैं। कुछ छोटे छोटे बारीक स्लिप गेजेस हैं, और उसके बाद में कुछ बड़े बड़े भी स्लिप गेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये स्लिप गेजेस इसी प्रकार का दिखता है, तो इसी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए ये स्लिप गेजेस को आप एक वो तो चौकोन रहते हैं, चौकोन जैसा कि आपने डायग्राम में देखा हो चौकोन किस्म के रहते हैं, पर इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो स्लिप गेजेस हैं ये स्लिप गेजेस कॉइन्स की तरह हैं, सिक्के की तरह, ऐसा मान लीजिए। और कितने सिक्के हैं हमारे पास में, 112 सिक्के हैं, ठीक है। तो रेंज देखिए जो 1.0005 जो है वो एक ही पीस है हमारे पास में, ठीक है। और 1.001 से लेकर के 1.009 के बीच में हमारे पास कितने सिक्के हैं, कितने स्लिप गेजेस हैं, 9 स्लिप गेजेस हैं। और उन 9 स्लिप गेजेस, हर एक स्लिप गेजेस में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो कितने एमएम का है, वो है 0.001 एमएम का डिफरेंस है। थर्ड में आते हैं 1.01 से लेकर के 1.490, कितने ऐसे स्लिप गेजेस हैं इन इन इस रेंज के बीच में, इस लिमिट के बीच में, तो ऐसे 49 स्लिप गेजेस हैं। और हर एक स्लिप गेज में जो डिफरेंस है, जैसे 1.02, 1.03, इसी प्रकार से 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, तो हर एक स्लिप गेजेस में जो बेसिक जो डिफरेंस है, जो फंडामेंटल डिफरेंस है, वो कितना है, 0.01 है। तो इस प्रकार से ये भी कितने हो गए नंबर ऑफ पीसेस, 49 पीसेस हो गए। इसी प्रकार से 0.5 से लेकर के 24.5 के बीच में कितने गेजेस हैं, स्लिप गेजेस है, 49 स्लिप गेजेस हैं। और इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने हैं, 0.5 का डिफरेंस है। 25 mm से लेकर के 100 mm के बीच में कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं, 4 नंबर ऑफ पीसेस हैं। उन 25 से लेकर के 100 mm के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, हर एक स्लिप गेजेस का एक दूसरे से जो डिफरेंस है, वो कितने mm का है, वो है 25 mm का। ये स्टेप में हमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये जो न्यूमेरिकल होता है ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है, इसे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ये 10 marks का आता है एग्जाम में। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इतना 112 सेट ऑफ स्लिप गेजेस से हमें ये डायमेंशन हमें प्रिपेयर करना है, 59.8435 mm हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए डिजायर डायमेंशन इन एमएम, तो सबसे पहले देखिए हम एक एक करके उसमें क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, और हमें 0.00000 लेकर के आना है। तो सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द, तो सबसे पहले हम ये वाले को हम पहले अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए अप्लाई करें 1.0005, तो पहला स्टेप हो गया ये। तो अब हमारा देखिए ये पूरा स्टेप आपको लिखते जाना पड़ेगा जब ये एग्जाम में आएगा। तो सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द 0.0005 mm डिजिट, तो ये हो गया। अब ये आंसर आ गया। अब दूसरा स्टेप करेंगे, सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द 0.003 mm, तो देखिए ये वाला। अब पहले हमने ये वाले स्टेप को हमने कर लिया, ये वाले स्टेप को हमने पहले कर लिया कंप्लीट। अब ये वाले स्टेप पर हम आएंगे, 1.001 से लेकर के 1.009 वाले में हम आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द 0.003 के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए 1.001 है, 1.002, 1.003, तो 1.003 वाले स्लिप गेज को हमने सेलेक्ट किया। तो 1.003 पर जब हमने देखा तो ये हमारा आंसर आ गया 57.8400 mm। अब आएंगे हम, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, अब इसमें आएंगे। तो इसमें देखिए सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द, अब ये जो अगला डिजिट है देखिए 5 को हमने हटा दिया, 3 को हटा दिया, अब 4 में आएंगे। तो 4 में हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1.01 से लेकर के 1.49 है, तो यहाँ पर हम लोग 1.35 ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 1.84 नहीं ले सकते हैं, 1.44 भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो 5 का जो पैटर्न है, ये 5 के पैटर्न को हमें रिमेनिंग करना है, इसे हमें बचा करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के लिए 0.5 का हमारे पास में स्लिप गेजेस अरेंज्ड है। तो
तो इसलिए हम 5 को हम यहाँ पर बचा करके रखेंगे, तो इसलिए 1.01 से 1.490 mm के बीच में हम 1.34 वाला जो वैल्यू है उस वैल्यू के स्लिप गेजेस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो 1.35 वाला जो स्लिप गेजेस, सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द 0.04 mm, तो 0.04 mm को हटाने के लिए हमने 1.34 mm का एक गेज लिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 56.50 mm आ गया। अब सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द 0.05, तो ये देखिए 0.5 से लेकर के 24.5 के बीच फिर से 49 है, तो यहाँ पर देखिए ये देख सकते हैं, सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द 0.5, तो यहाँ पर 0.5 के लिए हमने क्या किया, 6.5, क्योंकि ये 0.5 से लेकर के 24.5 के बीच में 6.5 भी आ जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, 50 बचेगा। 50 को देखिए, ये 25, 50, 75 और 100, 75 मतलब 75, तो 25 का डिफरेंस है, तो जो 50 जो बचा है तो फाइनली एलिमिनेट 50, तो ये 50 हो गया, तो यहाँ पर अब क्या बचा, 0.0000 mm। तो देखिए हमारे पास में कितना रेंज दिया था, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हमने कितना माइनस किया, 5 किए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो आखिरी में क्या आ गया आंसर, 0.00000 mm आ गया। अब यहाँ पर दस द फॉलोइंग ब्लॉक्स आर यूज फॉर द अबाउट डायमेंशन, तो यहाँ पर जितने भी डायमेंशन को हमने यहाँ पर माइनस किया था उन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो सेम वही वाली वैल्यू आ जाएगी, 59.8435। दिस आर फील्ड टू डेवलप द रिक्वायर्ड डायमेंशन बाई रिंगिंग मेथड। तो ये हमारा हो गया इस यूनिट का सबसे पहला न्यूमेरिकल को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब यहाँ पर देखेंगे हम आगे देखते हैं। तो बेसिकली देखिए हमें 5 दिया रहेगा तो हम 5, तो M112 होता है, M45 होता है, तो इस प्रकार से अलग अलग स्लिप गेजेस के सेट भी रहते हैं, पैटर्न भी रहते हैं, तो उसी 112 स्लिप गेजेस में से ही हमें सेटिस्फाई करना होता है हमें जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ होता है। बहुत ही आसान है, बस आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरे में लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द, सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द, सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द, इस प्रकार से हमें लिखते जाना पड़ेगा और आखिरी में ऐड करके हमें दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यू आ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, 10 मार्क्स का ये बन जाएगा आप लोगों का। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल हम देखते हैं, बिल्ड अप ए डायमेंशन ऑफ 49.517 विद द हेल्प ऑफ M45 सेट ऑफ स्लिप गेजेस ब्लॉक द रेंज एंड नंबर ऑफ पीसेस इन द सेट आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए M45 मतलब 45 ही बस गेजेस है हमारे पास में, 1.001 से लेकर के 1.009 के बीच में जो अंतर है वो 0.001 का है और 9 पीसेस हैं ऐसे स्लिप गेजेस। 1.01 से 1.09 के बीच में 0.01 का डिफरेंस है और 9 पीस हैं ऐसे। 1.1 से लेकर के 1.9 के बीच में 0.1 का गैप है और 9 पीसेस हैं ऐसे स्लिप गेजेस के। 1.0 से 9.0 तक के 1.0 का गैप डिफरेंस है और 9 पीसेस हैं ऐसे स्लिप गेज के। 10.0 से 90.0 के बीच में 10.0 का डिफरेंस है और ऐसे कितने पीसेस हैं हमारे पास में 9 पीसेस हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच स्टेप हम यहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे, पांच स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को हमें सेटिस्फाई करना है। तो देखिए डिजायर डायमेंशन ये शुरू करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 45, तो इसे हम क्या बोलेंगे, M45 सेट ऑफ स्लिप गेजेस ब्लॉक्स कहेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा बॉक्स जिसमें कि 45 स्लिप गेजेस हैं इस रेंज के, ओके। तो सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट द, सबसे पहला जो वैल्यू है देखिए 49.517, तो यहाँ पर 1.007 को हम ले लेंगे, देखिए 1.007, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, डिफरेंस भी बराबर आ रहा है, तो ये स्लिप गेजेस को हमने ले लिया। नाउ डायमेंशन लेफ्ट इज 48.510। अब हम क्या करेंगे, 1 को हम सेलेक्ट करेंगे, तो 1 देखिए 1.01, 1.02, तो ये 1.01 को हमने लिया, तो सेलेक्ट द ब्लॉक टू एलिमिनेट 1.01 mm स्लिप गेजेस, तो ये हो गया। देयरफॉर द रिमाइंडर इज 47.500 mm, ठीक है। तो सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट 1.5 mm स्लिप गेजेस, तो फिर यहाँ पर देखिए ये 0.5 जो है इसे हम एलिमिनेट करने के लिए 1.1 से 1.9 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो ये 1.5 को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो 1.5 को सेलेक्ट करने के बाद में देयरफॉर द रिमाइंडर इज 46.000 mm हो गया। सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट 6.00 mm स्लिप गेजेस,
तो यहाँ पर देखिए ये 6 है, तो इस 6 को हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि 10 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, तो हम क्या करेंगे 40 लेकर के आएंगे, ताकि 40 जो है इस रेंज में आ जाए। तो देखिए ये 1.5 हमने लेकर के आ गया इससे, और 6 हम लेकर के आ गया 1 से 9 के बीच में 6 लेकर के आ गया, सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट 6.00 mm स्लिप गेजेस। अब उसके बाद में 10 से लेकर के 90 के बीच में ये 40.000 mm हम लेकर के आ गए। अब यहाँ फाइनली एलिमिनेटिंग 40.000 mm स्लिप गेजेस, तो ये हो गया। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये वाला भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, तो बहुत ही इजी रहता है। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 वी है ये सारे को ऐड करके जो हमें दिया हुआ था स्टार्टिंग में 49.517 mm, ऑल दिस 5 स्लिप गेजेस आर रंग प्रॉपरली टू गेट द रिक्वायर्ड डायमेंशन। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, केवल और केवल प्लस और माइनस का यहाँ पर खेल है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल देखते हैं, बिल्ड अप ए डायमेंशन ऑफ 53.587 mm विद द हेल्प ऑफ M45 सेट ऑफ स्लिप गेजेस ब्लॉक गिवन बिलो। सेम देखिए M45 सेम रेंज है, तो कभी कभी अगर एग्जाम में नहीं भी दिया रहेगा तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आराम से कंफर्टेबली आप बना सकते हैं। रेंज लिखना है, स्टेप्स लिखना है और नंबर ऑफ पीसेस लिखना है, नीचे में 45 आ जाएगा, ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। 1.1 से लेकर के 1.9, 1.01 से लेकर के 1.001 से लेकर के 1.009, 1.01 से 1.09, 1.1 से 1.9, 1.0 से 9.0, 10.0 से 90.0, स्टेप्स भी पता है, नंबर ऑफ पीसेस भी पता है। तो यहाँ पर डिजायर्ड डायमेंशन इन mm इज ये हो गया, हमें इतना बनाना है। देखिए यहाँ पर दिया होगा 53.587, तो इसे ही हमने यहाँ पर देखे सेलेक्ट कर लिया 53.587। सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट 1.007 mm स्लिप गेजेस, तो यहाँ पर देखिए एलिमिनेट करना है आपको 1.007 mm का, आप यहाँ पर एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 1.77 यहाँ पर आ रहा है, 1.007 यहाँ पर इस रेंज के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसे लगा लिए। सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट 1.08 mm स्लिप गेजेस। अब यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 भी देखिए 1.01 से 1.08, 1.09, तो 08 को हमने सेलेक्ट किया, 51.5000 हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो देखिए 1.1 से 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो 1.5 को हमने लिया, सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट 1.50 mm स्लिप गेजेस, 1.5 को हमने लिखा। अब क्या बच रहा आखिरी में, 50। अब 50 का क्या है, देखिए 1.0 से, सॉरी 10 से लेकर के 90, तो 10 से लेकर के 90 में देखिए ये आ रहा है आपका 50, 10, 20, 30, 40, 50, तो फाइनली एलिमिनेटिंग 50 mm स्लिप गेजेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो 10 भी है यहाँ पर, ये पूरे वैल्यू का आप लिख देंगे और ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ऑल दिस 5 स्लिप गेजेस आर रंग प्रॉपरली टू गेट द रिक्वायर्ड डायमेंशन। अगर आप लोगों को इसके भी बाद अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप इसे एक बार कॉपी में अच्छे से लिख करके देखिए, शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, केवल प्लस माइनस कर रहे हैं हम इसमें, केवल माइनस का हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम माइनस का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए माइनस का काम हो रहा है, और यहाँ पर देखिए प्लस का केवल काम हो रहा है, बस इतना ही इस न्यूमेरिकल में करना है। ये चौथे नंबर का न्यूमेरिकल है, बिल्ड अप ए डायमेंशन ऑफ 75.9375 mm विद द हेल्प ऑफ M112 सेट स्लिप गेजेस। तो रेंज यहाँ पर दिया हुआ है, 112 स्लिप गेजेस हैं, स्टेप्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीसेस दिया हुआ है। इस प्रकार का न्यूमेरिकल को हम पहले भी अभी बना चुके हैं, पहले नंबर का न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर देखेंगे डिजायर्ड डायमेंशन इन mm इज 75.9375, सेलेक्ट ब्लॉक, तो ये देखिए इतना अपने को सेटिस्फाई करना है 112 स्लिप गेजेस से, कितने स्टेप में, 5 स्टेप में। तो पहला देखिए ये 5 है, तो ये देखिए 1.0005 को हम लिख देंगे, सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट 1.0005 mm स्लिप गेजेस। तो नाउ डायमेंशन लेफ्ट इज इतना, सेलेक्ट ब्लॉक टू एलिमिनेट 1.0070 mm स्लिप गेजेस, तो इतना। अब 7 की बारी आई, उसके बाद में 3 की बारी आएगी, तो 9 और 3, अब क्योंकि 5 में हमको टर्म लेकर के आना है, तो हम 9 को 4 से हम देखें माइनस कर रहे हैं एक ही साथ 1.43, तो देखिए यहाँ पर रेंज होगा 1.01 से 1.49, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1.01 से 1.49 के बीच में हमारा 1.43 भी आ रहा है वैल्यू, 0.01 का गैप है, तो 1.43 से माइनस करेंगे तो 72.5 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 1 भी सामने से माइनस होते जा रहा है,
तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 72.500 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 0.5 से 24.5 आ रहा है, तो हमें इसको 25, 50, 75 और 100 के रेंज में हमें लेकर के आना है। तो हम यहाँ पर 72.5 को 22.5, जो कि देखिए 22.5 इस रेंज के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस करने से 50.000 mm आ जा रहा है। 50 mm को हम यहाँ पर ये 25 mm से 25, 50, 75, 100 वाले से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 से माइनस हुआ है और हमारा जो वैल्यू है आंसर जो है देखिए 0.000 mm आ गया। फाइनली ऑन एलिमिनेटिंग द 50.000 mm स्लिप गेजेस द रिमाइंडर इज 0। दस वी हैव सारे वैल्यूज को पांचों का प्लस कर दीजिए तो आंसर आपका सेम आ जाएगा 75.9375 mm। देखिए यहाँ पर 75.9375 mm आ गया। ऑल दिस फाइव स्लिप गेजेस आर रंग प्रॉपरली टू गेट द डिजायर्ड डायमेंशन। यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं, द स्लिप गेजेस सेट M38 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 38 स्लिप गेजेस है, सेम है देखिए 1.0005 का एक पीस है, 1.01 से 1.09 का 9 पीस है, डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पर ये भी 9 पीस है और ये 10 से लेकर के 100 के बीच में, अभी तक 90 90 हम देख रहे थे, 90 90 देख रहे थे, बट यहाँ पर 100 है तो 100 तक के लिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करेंगे 1 9 10 हो गया, 10 और 9 19 19 और 9 28 28 और 10 38 हो गया। तो 38 पीस ऑफ स्लिप गेजेस हमारे पास में अवेलेबल है। यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें दो वैल्यू, कैलकुलेट एंड चूज द सुटेबल स्लिप टू गिव द फॉलोइंग डायमेंशन। तो दो वैल्यू को हमें सेटिस्फाई करना है। 29.875 में पहले 5 को हमने कर दिया 1.005 लगा के, फिर 7 को हमने कर दिया 1.07 लगा करके, फिर 8 को कर दिया 1.8 लगा करके, फिर 26 को हमने यहाँ पर हटा दिया। 26 को पहले 6 से हमने हटाया, फिर 20 से हटा दिया। सिमिलरली पूरे को ऐड करने के बाद में 29.875 जो कि हमें पहले दिया हुआ था 29.875 ये आ गया। अब दूसरे डिजायर ब्लॉक के लिए देखिए 15.09 पहला डेसिमल प्लेस है 9 का, तो इसे हमने हटा दिया, 14.00 mm हो गया। नाउ डायमेंशन लेफ्ट इज 4 है ना, 4 से हमने माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 10 से माइनस कर दिया तो 0 0। द बेसिक रूल इज टू यूज द लार्जेस्ट पॉसिबल ब्लॉक इन ईच स्टेप टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्लॉक यूज टू ए मिनिमम। दस वी हैव 10.00 प्लस 4.00 प्लस 1.09 इक्वल्स टू 15.09। ऑल दिस थ्री स्लिप गेजेस आर प्रॉपरली रंग टू गेट द रिक्वायर्ड डायमेंशन। तो देखिए जो कम से कम में जो वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है वही स्लिप गेजेस की जो एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम छोटे वैल्यू को हमने यहाँ पर एक्यूरेट यहाँ पर बता दिया है कि ये छोटा वैल्यू क्या है, ये इसका डायमेंशनल एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, ये आप लोग एक बार इसे कॉपी में लिख करके एक बार अच्छे से नोट डाउन करके देखिएगा, एग्जाम में अगर आता है तो इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरा लिखना पड़ेगा कि किस किस स्टेप से किस किस प्रकार से बन रहा है। इसे बहुत केयरफुली आप बनाइए और बहुत ही आसान किस्म का ये न्यूमेरिकल होता है। इस न्यूमेरिकल को बनाने में बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है। इस चीज़ को मैंने आपको बार बार यहाँ पर बताया है कि इस न्यूमेरिकल में केवल और केवल प्लस और माइनस का ही हमें केयर करना है, प्लस और माइनस का। हर एक एक स्टेप में देखिए हमें क्वेश्चन में ही सारी चीजें यहाँ पर दे दी हुई गई है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बताया जा रहा है हम वैसा वैसा अगर बनाते जाएंगे तो बहुत आसानी से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग बना करके देखिएगा कॉपी में और इसी पैटर्न से ही बनाइएगा तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।